जो लोग देह को आत्मा मानते हैं वे मूढ़ जन ही करुण कंठ से कहते हैं, हम छीन हैं, हम दीन हैं। यह नास्तिकता है। हमारे राष्ट्र के लिए इस समय कर्म तत्परता तथा वैज्ञानिक प्रतिभा की आवश्यकता है, महान तेज, महान बल और महान उत्साह की आवश्यकता है। अबलापन से क्या यह कार्य हो सकता है? उद्योगी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य संपन्न होगा। वेदांत पाप स्वीकार नहीं करता, भ्रम स्वीकार करता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ा भ्रम है अपने को दुर्बल, पापी, हतभाग्य कहना। यह कहना कि मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रवृष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दें, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता ही संसार के समस्त दुख का कारण है, इसी से सारे दुख कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं, इसलिए इतना दुख भोगते हैं। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी, डकैती, झूठ, ठगी तथा इस प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं। जहां हमें दुर्बल करने वाला कोई नहीं है, वहां न मृत्यु है न दुख। अतः बल ही एक आवश्यक बात है, बल ही भव रोग की दवा है, बल ही भव रोग की दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी बल ही एकमात्र दवा है। अतएव उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ लो। सारे समय हम रोगी हैं, यह सोचते रहने से हम स्वस्थ नहीं हो सकते। उसके लिए औषधि आवश्यक है। मनुष्य को सदैव उसकी दुर्बलता की याद कराते रहना अधिक सहायता नहीं करता। उसको बल प्रदान करो, और बल सदैव निर्बलता का चिंतन करते रहने से नहीं प्राप्त होता। दुर्बलता का उपचार सदैव उसका चिंतन करते रहना नहीं है, वरन बल बल का चिंतन करना है। एक ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय होता क्यों है? आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हम में से प्रत्येक सम्राटों के सम्राट का भी उत्तराधिकारी है। समझ लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सब पापों और संपूर्ण अशुभ कर्मों का निर्देश हो जाता है। सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता। हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। आवश्यकता है ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र के मार्ग में जाना पड़े, सदा सब तरह से मौत का सामना करना पड़े,
तो भी हमें यह काम करना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें। हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें। हमें ऐसी सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। और यह रही सत्य की कसौटी, जो भी तुमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए, उसे जहर की भांति त्याग दो। उसमें जीवन शक्ति नहीं है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता है, वह ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे।